आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का एक बहुत ही सुपर फास्ट सीरीज, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चन बहुत ही कम से कम समय में। तो दोस्तों देर नहीं करते हुए हम लोग अपने इस बेहतरीन से सीरीज का शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कठोर मिट्टी पर मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक डैश का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है तलछट, बी है वरूपण साक्ष्य, सी है खाद या डी है जीवाश्म। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवाश्म। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जुलाई 2020 तक निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं? ऑप्शन नंबर ए रविशंकर, स्मृति ईरानी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा रविशंकर प्रसाद। तो दोस्तों वैसे अभी वर्तमान में केंद्रीय कानून और न्यायिक मंत्री कौन है? तो दोस्तों अभी वर्तमान में जो है केंद्रीय कानून और न्यायिक मंत्री वो है हमारे श्री किरण रिजिजू। श्री किरण रिजिजू है जो कि वर्तमान में अभी केंद्रीय कानून और न्यायिक मंत्री हैं। और दोस्तों सबसे पहले केंद्रीय कानून और न्यायिक मंत्री कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन भारतीय फुटबॉलर गोलकीपर नहीं था? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? भास्कर गांगुली या पीटर थंगराज या विदेश बोस या ब्रह्मानंद सालगावांकर। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा विदेश बोस। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इब्राहिम लोधी, बी है सिकंदर लोधी, सी है बरकशाह या डी है बहलुल लोधी। तो दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक था वो था हमारा इब्राहिम लोधी। दोस्तों इब्राहिम लोधी को किसने हराया? दोस्तों इब्राहिम लोधी को पानीपत के फर्स्ट बैटल में बाबर ने हराया था। दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा, फॉरेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 32 डिग्री फॉरेनहाइट या 100 डिग्री फॉरेनहाइट या 212 डिग्री फॉरेनहाइट या 80 डिग्री फॉरेनहाइट। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 212 डिग्री फॉरेनहाइट। तो दोस्तों इसके अलावा हम चलते हैं कि फॉरेनहाइट तापमान पर पैमाने पर दोस्तों हिमांक बिंदु क्या होता है? तो दोस्तों हिमांक बिंदु होता है वो होता है हमारा 32 डिग्री फॉरेनहाइट। दोस्तों 32 डिग्री फॉरेनहाइट पे जो पानी है वो जल के रूप में परिवर्तित होने, पानी जो है बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। दोस्तों अगर सेल्सियस में देखा जाए तो सेल्सियस में 0 डिग्री पे पानी जो है बर्फ़ बनने लगता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है उबलने लगता है। इसके अलावा दोस्तों अगर केल्विन में देखा जाए तो केल्विन में दोस्तों 273 केल्विन पे कोई भी जो जल होता है वो बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। और दोस्तों 373 केल्विन पे कोई भी जो जल होता है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो दोस्तों जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य थे। दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो जो है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में ऐड किया गया था। दोस्तों मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थे। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी को आर्टिकल 51A के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों वर्तमान में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बट 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अभी जो है मतलब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में कौन वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आर के नारायण। अगला प्रश्न दोस्तों, दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, और जितने भी राइटर्स और पुस्तक के लेखक के जो नाम होते हैं इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर याद करें, क्योंकि दोस्तों एमटीएस के हर एक शिफ्ट में हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्वयं सहायता समूह के
मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों संपार्श्विक के साथ ऋण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों घरेलू हिंसा पर चर्चा करने और कार्रवाई करने के लिए मंच प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों अपने सदस्यों की बचत जमा करना। या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ग्रामीण गरीबों को समूहों के गठन में संगठित करना। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि संपार्श्विक के ऋण के साथ ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? ऑप्शन नंबर ए पारादीप, बी कंडाल, सी मोरमुगाव या डी पानामबूर। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंडाल। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा पी एच में पी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों मतलब कि पी एच का पी एच में जो पी होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों प्रेसिटेशन, बी है दोस्तों परसेंटेज या डी सी है दोस्तों पोटेंसी या डी है दोस्तों पोटेंज। तो दोस्तों पी का मतलब होता है पी का दोस्तों मतलब होता है वो होता है हमारा पोटेंज। दोस्तों पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। दोस्तों पीएच एक स्केल होता है दोस्तों जिसमें कि बीच में दोस्तों 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है दोस्तों तो जल होता है, और इसका इधर में जो भी जाते हैं वो हमारा भस्म कहलाता है भस्म, और इसके इधर में जो भी जाते हैं वो हमारा अम्ल कहलाता है। मतलब कि दोस्तों 60 डिग्री से जब हम नीचे आएंगे 5-6 तो दोस्तों अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाएगी, और दोस्तों 60 डिग्री से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे दोस्तों भस्म की प्रबलता बढ़ती जाएगी, और दोस्तों 0 डिग्री पे पानी होता है लवण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा जुलाई 2020 तक निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है? ऑप्शन नंबर ए जंतर मंतर दिल्ली, जंतर मंतर राजस्थान, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र या रानी की वाव। दोस्तों नहीं है, ध्यान दें दोस्तों नहीं है, कौन नहीं है इसमें? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा जंतर मंतर दिल्ली। दोस्तों इसके अलावा जितने भी है दोस्तों वो सभी के सभी विश्व धरोहर के जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रोटोनोवा निम्नलिखित में से किस महिला खेल का आयोजन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए साइकिल चलाना, बी जिम्नास्टिक या सी गोताखोरी या डी एक बार की तैराकी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है हो जाएगा हमारा जिम्नास्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट या बी विशाखादत्त या सी हरिशयन या डी चरक। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चरक। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से डैश स्थानांतरित कर दिया। ऑप्शन नंबर ए चुनार, बी जैनपुर या सी मुर्शिदाबाद या डी दौलताबाद। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दौलताबाद। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में जी का RTGS में क्या अर्थ है? तो दोस्तों जी का अर्थ क्या होता है RTGS में? तो दोस्तों जो जी होता है उसका अर्थ होता है दोस्तों ग्रॉस। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है ग्रॉस। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निम्नलिखित में कौन कूलम प्रति सेकंड के तुल्य हैं? फैराडे, ओम, वोल्ट या एम्पियर। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा एम्पियर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 49वें प्राप्तकर्ता थे? गुलजार, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन या मनोज कुमार। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनोद खन्ना। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 5वीं, बी 4थी, सी 8वीं या डी 6थी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में उत्तराखंड, बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश या डी पंजाब। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा धनराज पिल्लई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बास्केटबॉल, शूटिंग, टेनिस या हॉकी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉकी।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पारो शहर डैश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या भारत। तो दोस्तों पारो शहर जो है वो भूटान का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सोन, रामगंगा, काली या पेन गंगा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेन गंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए तिलाना, मंगलाचरण या थरीझाम या बातु नृत्य। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हो जाएगा हमारा तिलाना। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों, तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। दोस्तों प्लीज़ आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।